नमस्कार दोस्तों, एसएस इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप साहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीसीएम या कास्टर में मेटालॉजिकल लेंथ क्या होती है और मेटालॉजिकल लेंथ किसे कहते हैं, और दोस्तों मेटालॉजिकल लेंथ कहां से कहां तक होती है। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, काफ़ी यूजफुल होने वाली है, सो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करें। दोस्तों, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डिस्टेंस बिटवीन द मिनिस्कस एंड द पॉइंट वेयर द ब्लेड गेट द कम्प्लीटली सॉलिडिफाइड व्हीकल इट मेटालॉजिकल लेंथ। दोस्तों, मिनिस्कस लेवल से लेकर इस पॉइंट तक जहां हमारा ब्लेड कम्प्लीटली सॉलिडिफाई हो जाता है, उसे हम मेटालॉजिकल लेंथ कहते हैं। तो दोस्तों, इस ड्राइंग की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, ये जो हमारा मोल्ड जैकेट है, इसमें जो ऑपरेटर लेवल लेकर चलते हैं उसको छोड़कर जहां हमारा मेटल गिरता है टोंडिश नोजल से, उसे हम मिनिस्कस लेवल कहते हैं। उस लेवल से लेकर यहां तक ये जो हमारा विड्रोल का एंट्री और एग्जिट रोल है, इसके पास जो पॉइंट तक यानी कि जो हमारा पीसीआरटी रोल है, वहाँ तक हमारा ब्लेड सॉलिडिफाई हो जाता है, उसे हम मेटालॉजिकल लेंथ कहते हैं। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि अलग अलग केसेस में अलग अलग मेटालॉजिकल लेंथ हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि ऐसे किन किन केसों में ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, पहला है हमारा सेक्शन साइज, दूसरा है कास्टिंग स्पीड, तीसरा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाटर फ्लो, चौथा है हमारा मेटल टेम्परेचर, और पांचवा है हमारा सॉलिडिफिकेशन कॉन्सेंट। दोस्तों, सॉलिडिफिकेशन कॉन्सेंट जो है, इसमें वाटर फ्लो, मेटल टेम्परेचर, इनको आपस में कैलकुलेट करके सॉलिडिफिकेशन कॉन्सेंट को डिजायर किया जाता है। और दोस्तों, मेटालॉजिकल लेंथ जो होती है वो हमारी 8 मीटर से लेकर मैक्सिमम 30 से 35 मीटर तक हो सकती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके फॉर्मूला के बारे में। तो दोस्तों, इसका फॉर्मूला है L इजिकल टू वी इंटू डी 2K स्क्वायर। दोस्तों, L जो है हमारा वो मेटालॉजिकल लेंथ है, वी जो है हमारा वो कास्टिंग स्पीड है जो कि मीटर पर मिनट पे है, और D जो है हमारा वो सेक्शन साइज है, और K जो है हमारा सॉलिडिफिकेशन कॉन्स्टेंट है। और दोस्तों, एक बात और बता देता हूँ कॉन्स्टेंट के ऊपर, के इक्वल टू 29 ये जो है हमारा वो 100 से लेकर 140 तक के सेक्शन के लिए है, और के इक्वल टू 30 ये जो है हमारा ये 140 से लेकर 200 सेक्शन के लिए है। तो चलिए दोस्तों, कैलकुलेटर में चलते हैं और कैलकुलेटर की मदद से इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं कैलकुलेटर में आ चुका हूं, तो सबसे पहले मुझे डी की वैल्यू निकालना है। डी का होल स्क्वायर लेंगे, निकाल लेंगे सबसे पहले, तो 125 into 125, तो आंसर आएगा हमारे पास 15.625। उसके बाद दोस्तों, हमें 29 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो जो हमारा कांस्टेंट है उसका जो आंसर निकल के आएगा वो 58 आएगा। तो दोस्तों, 58 मल्टीप्लाई कर देना है हमें 58 के साथ, तो इसका आंसर निकल के आएगा 3.364। अब हमें इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, तो इसको डिवाइड करने के बाद जो आंसर निकल के आएगा वो 4.6476 आएगा। इसे हमें कास्टिंग स्पीड के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4.64476 आया है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने कास्टिंग स्पीड के साथ जो कि है हमारी 2.2। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 10.21, यानी कि हमारी जो हमारा सीसीएम है उसका मेटालॉजिकल लेंथ जो है वो हमारा 10 मीटर के आसपास का है। तो आई होप दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनको भी ये जानकारी देने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।